पाली में बारिश ने किस कदर कहर मचा रखा है, मैं आपको एक घर के अंदर ले जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस कदर बारिश का प्रभाव नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर घर अब रहने लायक हालत में नहीं बचा। पानी यहाँ पर पूरे घर में भर गया है। ये इनका घर है, आपका नाम क्या है? चंद्रा देवी है। चंद्रा देवी जी का घर है। चंद्रा देवी जी एक मिनट बता रही है अपने घर की हालत, और आपको पूरा पहले मैं आपको घर के बारे में बताता हूँ, फिर चंद्रा देवी से बात कराता हूँ। यहाँ पर ये बाइक खड़ी है, इससे देखकर अंदाजा लगा जा सकता है कि बाइक में पानी कितना डूब चुका है, ये पूरे यहाँ पे घर में कितना पानी है। वो दरवाजा देखिए, किचन भी है, घर का कमरा भी है, और सब कुछ इनका है। तो ये है घर की हालत जहाँ पर पूरा पानी आ गया। चंद्रदेव जी, क्या पानी 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 नहीं, सब सामान भींग गया है, मतलब एकदम सामान अवैध ही नहीं, मैंने डूब गया सारा। तो सामान वामान कहीं दूसरी जगह गए आप रहने? सामान नहीं ले गया साहब, बे काटे मत, सुबह 8 बजे रात रहा नहीं, पड़ोस में जाके रात बस ली दो, सुबह मना करता पड़ता है। मैंने पढ़ सामान बारे निकली हूँ सा हैं, खाने पीने का सामान तो काट कर दियो हूँ। पानी तो पूरा घर में भर गया, आपका ही बाकी रहा है? सामान साड़ी सब भींग गया सर, हैं भींग गया, तब तो हैं बार काट कर दियो मैं रात रहा। अधिकारी अधिकारी आने पूछना आया, क्या करूँ सा, गरीब आदमी हूँ, पूछना आया अधिकारी, पूछना आया सा, कोई नहीं आया सा, खाना पीना कोई लागे कोई ना, तो हाल फिलहाल की कुछ है, पड़ोस में सारे को पाया तो तीन खाई हम। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि पड़ोस वाले ने एक चाय का कप चाय पिलाई थी, उसके अलावा न तो अधिकारी इनके पास आया, न ही कोई और दूसरा इन्हें बचाने के लिए आया। तो राहत अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है इन लोगों तक, जहाँ पर कि इनके घर डूबे हुए हैं। जब इनका घर आधे से ज़्यादा डूब गया, घर के सब सामान डूब गए, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशासन के अधिकारी इनके पास आएं, कम से कम इन्हें सुरक्षित जगह ले जाएं, खाने पीने का इंतज़ाम करें जब तक पानी कम नहीं होता। लेकिन शायद पाली जिला प्रशासन के कानों तक यह बात पहुंची ही नहीं पा रही है, और हमारी कोशिश है कि हम अधिकारियों से बातचीत करेंगे, जिला प्रशासन को बताएंगे कि क्या हालत है पाली में, अपने घरों से बाहर निकल कर जरा देखें। जैसा यहाँ पर एक घर आपको मैं दिखाता हूँ, इसका मेन दरवाज़ा आप देखिए, आधा डूबा हुआ मिलेगा, और वो घर है वहाँ पर, वो घर है, यहाँ के लोग सुरक्षित बाहर निकल गए हैं क्योंकि अंदर आधे घर तक पानी भर गया है, जो ताला लगा के ये लोग अपना सामान जो जरूरी था उसे लेके निकल गए, क्योंकि पानी का जल स्तर ही कुछ इस कदर तेज। अब यहाँ तक आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जाएगा, और लोगों की परेशानियाँ भी उसी अंदाज में आपको लगातार बड़ी हुई नज़र आएगी। यहाँ पर एक और घर है, यहाँ पर देखिए, ये घर भी पूरा पानी से भरा हुआ है, और यहाँ के लोग न तो अंदर जा पा रहे हैं न बाहर आ पा रहे हैं, जहाँ हैं वहीं अपने आप में कैद हो गए हैं। ये आपको एक ठेला दिखाता हूँ मैं आपको, ये ठेला देखिए, ये ठेला है पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है ये ठेला। मैं यहाँ की महिलाओं से बातचीत करता हूँ क्योंकि इन्हीं का घर है। ये आपके यहाँ कब से ये इतना पानी है, घुटनों से भी ज़्यादा? रात से तो परेशान हो रहे होंगे आप, तो सब घर के अंदर भी आपके पानी नजर आ रहा है ना, अंदर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, वो देखो पूरा सब जगह आ रहा है। तो वो अंदर बैठा है, अच्छा सब जगह आ रहा है पानी, सब जगह आ रहा है। तो अब ये बताओ, कोई अधिकारी अधिकारी आए यहाँ से पानी वानी निकलाने, या पूछने के कैसे हो? दूध कोई नहीं आया, फिर दूध पानी अगर सुबह लेने के लिए रात को रख दिया, कोई नहीं आया, कोई नहीं, खाली अटे बैठा हो आप भी, बैठा भैया, कोई नहीं आया, कोई सुविधा करने कोई नहीं आया। तो कितने दिन बैठोगे, पानी तो कमी नहीं हो रहा है, हम क्या करो भाई, बैठना पड़ी, बैठोगे बैठोगे क्या कर, पानी आ जाओ, किसकी बात करनी, तो ठीक ठाक वाली जगह पे चले जाओ ना जहाँ पानी नहीं है, कोई है जगह? कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, और आप भी नहीं जा रहे हो? अभी नहीं जा, घर जा रही है, मगर मकान है, किराए का थोड़ी है, घर का मकान है। क्या हुआ भाऊजी, आपके इलाके में आपके मोहल्ले में क्या हो गया? कुछ नहीं, देखो ये हो रहा है, ऐसी बारिश कभी देखी है? बताओ आप कितने साल बाद देख रहे हो? ये 4-5 साल बाद, कितने साल बाद देख रहे हो? अरे यहाँ तो 5 दिन में एक बार पानी नहीं आता पीने को, पानी तो देखो सरकार है जैसे देगी, सरकार है। अब भाई साहब हैं, वीडियो बना रहे हैं कि भाई साहब ये वीडियो याद रहेगा, क्योंकि ऐसा बारिश तो पाली में आती नहीं है कभी, कभी भी नहीं आई, वो पहले बार आई है, अभी पहले बार आई है, कभी भी नहीं है ऐसी बारिश। तो कहाँ रहते हो आप? रजत नगर में रहते हैं हम तो, मकान नंबर 247 इधर रामचंद्र जी कुमावत गई, आप सब पूरा मकान भर गया, पूरा पूरा पानी, पूरा ही पूरा पानी पानी भरा हुआ है, बड्याणी मंदिर के पास वगैरह पूरा चारों तरफ पानी भरा हुआ है। लाइट है? लाइट लाइट नहीं, लाइट गई हुई है सर। यहाँ पर क्या है, जो अतिक्रमण कर लिया, जैसे जीएसएस
यो अभी जो बिजली घर बनाया हुआ है ये सामुदायिक भवन, उसके पीछे से क्या ये जो चादर का पानी है वो जाने के लिए उनके लिए रास्ता नहीं है। हमने प्रशासनिक अधिकारी को अवगत करवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक इस मोहल्ले में नहीं आया। ना इनके खाने पीने की व्यवस्था हुई, ना दूध की व्यवस्था हुई है। आपके तो घर में पानी घुस गया पूरा, पूरा पानी। हाँ, पूरा पानी शौक में पानी तो उतरी हो अबे तो। अच्छा, एक फुट पानी उतरी है। तो बताओ दूध या कोई चीज लाने वाले आपके कोई है या कोई किने बुलाओ बैठे? कोई अधिकारी अधिकारी कोई नहीं? कोई नहीं है अटे, बस यहाँ घर में बैठा कट जाओ बारे में। कई अटे कई अटे तो पानी आप करियो है पानी ओके गवर्नमेंट फंड फस कई करियो है घोड़ा ना दिया तो प्यो बना दिन बिजली घर बना दिया जण मोरे वट पानी समस्या आव्या बस्ती तो बसाई थी पानी आवे तो मरो बलिया बे। तो कोई आया आपने देखना आपने जिन्हें वोट दिया? नहीं वोट दिया जिसको वोट दिया वो तो वोट दिया जिको तो खत्म रियो बस गयो ऊपर पहुंचियो कदी। अरे यूं क्यों बोलोगे तो फत मरगो भगवान री सोगन सही क्यों हूं मारे पार्षद वर तो जुको भरियो कदी रोट जान ही नहीं पूछियो मने की करो थे। ये देखिए जनप्रतिनिधियों के प्रति इनका गुस्सा भी है और गुस्सा लाजमी भी है, क्योंकि जब मुश्किल में ये लोग होते हैं और कोई नहीं आता इनकी खैर खबर लेने तो इसी तरह से गुस्सा निकलता है। क्यों भाई साहब कोई खैर खबर पूछने वाला है? कोई खैर खबर सुनने वाला नहीं है सर। मेन बात जो ये ओवरफ्लो चल रहा है इसका मेन कारण है कि ये जो ओवरफ्लो की जगह 84 फुट है और ये 10 फुट पे पानी चल रहा है। ये रोड पूरा 15 फुट उधर रोड है, 15 फुट इधर रोड है और बाकी का ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो का पूरा अतिक्रमण हो गया, सरकारी अतिक्रमण हुआ है। पहले तो बिजली घर बनाया हुआ है, सरकारी स्कूल बनी हुई है, पुलिस चौकी बनी हुई है, आगे मकान बने हुए ठेठ तक। ये इसकी जगह है 84 फुट ओवरफ्लो की, आज 10 फुट जगह रह गई है, बाकी सब पे पूरा अतिक्रमण हो गया। ये जब तक नहीं हटेगा जब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। ये हकीकत भी है कि जब अतिक्रमण होता है तब इसी तरह की नज़ारे सामने आते हैं, किस तरह से परेशानियां लोग हो जाएंगे ये नज़ारा आपको दिखाने के लिए काफ़ी है। देखिए घुटने तक डूबे हुए हैं, घर की महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब इसी तरह पानी में लगातार। अब इनके घर के अंदर आप जहां तक जाएंगे आपको पानी ही पानी नज़र आएगा, क्योंकि ये पानी कब उतरेगा इन्हें भी नहीं पता और कम से कम 2-3 दिन तो लगेंगे पानी के जलस्तर को थोड़ा सा कम होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बारिश लगातार चेतावनी अभी भी जारी है, रुक रुक कर बारिश भी यहाँ पर हो रही है। जब सड़कों पर पानी इस तरह से बहने लगे तो क्या कहा जाए, लोगों की परेशानियाँ किस कदर बढ़ रही होगी इसका अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के पाली में। पाली में यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही थी, एक रात की बारिश ने ही पूरी हालत ख़राब कर दी और उसके बाद लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश कब रुकेगी। और ये वही पाली है जहां पर 4 से 5 दिन में एक बार पीने का पानी आता है, लेकिन करीब ऐसा कह रहे हैं कि 10 से 12 सालों बाद इस कदर भारी बारिश आई है कि गलियों में इस तरह से पानी की नदियां बहने लगी है। ये गली की सड़क है और यहाँ पानी का आप वेग देख सकते हैं कि किस तरह बढ़ा है। भाई साहब ये क्या नदी नाला क्या है, ये तो सड़क दिख नहीं रही। ये सब वैसे सड़क ही है, नदी नाला नहीं है, लेकिन पीछे से इतना भाव है पानी का कि पूछो मत ना। रात की 9 बजे से पूरी मेरे राजेश नगर बस्ती, रामदेव रोड, सब जगह पे यही पानी है। घरों में भी पानी घुसा हुआ है? घरों में भी घुसा है। और मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आपका चैनल आके यहाँ तक पहुँच के और हमारे सब पब्लिक की सुध ली। हम आगे लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, क्या प्रशासन के कोई अधिकारी नेता या कोई भी आए आपके हालत पूछने? नहीं सर, अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है अभी तक। हमारा ये तालाब है पूरा ओवरफ्लो हो गया है और यहाँ पे कोई भी सुविधा का है। कितने दिन कितने टाइम से ये पानी ऐसा है? रात से नहीं है सर, 9 बजे से। और आपके यहाँ लाइटों वाइटों का फिर क्या सिस्टम? लाइट पिछले 2 दिन से बंद है, कल से बंद है लाइट पूरी। पिछले 24 घंटों से लाइट नहीं है, पावर हाउस भी है तो पानी में डूबा हुआ है। सबसे बड़ी प्रशासन की यही गलती है कि जो हमारे यहाँ पर लाइट की सप्लाई होती है उसका पावर हाउस जो है वो पानी के बहाव क्षेत्र में बनाया हुआ है। अब अगर जब तक पानी नहीं उतरेगा तब तक लाइट कहाँ से आएगी? देखिए इंसान है ये, इस मोहल्ले के लोग हैं, यहाँ रहते हैं, जानवर भी इसी तरह से बेहाल है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे यहाँ पानी का बहाव आपको उसी कदर तेज होता नजर आएगा और लोगों की परेशानियाँ भी उसी के साथ उतनी ही बढ़ती नजर आएगी। तो ये सड़क है जो है इस वक्त पाली शहर में दरिया में तब्दील हुई है और ऐसा नहीं है कि एक या दो मोहल्ला पाली का इसी तरह से हो, पाली के ज़्यादातर मोहल्ले इसी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी का ये जलस्तर कम होगा। लेकिन पूरे पाली जिले में इस बार
जमकर बारिश हुई है, तो ऐसे में गांव से और दूसरी जगहों से भी पानी शहरों की तरफ जो नदी नाले बने हुए हैं, यहाँ पर नदी बनी हुई है वहाँ पर आ रहा है और उसके जरिए गली मोहल्लों में ये पानी घुसता जा रहा है। प्रशासन की जहाँ तक बात की जाए, प्रशासन का कोई भी अधिकारी या अब तक कोई जनप्रतिनिधि तक यहाँ पर अभी नहीं आया, तो लोग और भी ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार कब पानी का यह बहाव कम होगा। और यहाँ देखिए पूरा इलाका जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी केवल आपको पानी और पानी ही नजर आएगा, यानी कि पाली पूरी तरह पानी पानी हो गया। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, पाली न्यूज़ 24।